हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। गाइस, हम लोग आर्डिनो स्क्रैच टू एडवांस कोर्स में कंप्लीट कोडिंग को देखेंगे और साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को भी समझेंगे। गाइस, ये कम्प्लीटली हैंड्स ऑन होने वाला है, मीन्स हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो गाइस, आर्डिनो को समझने से पहले हम लोग ह्यूमन बॉडी के फंक्शनैलिटी को समझते हैं। तो गाइस, एक ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन होता है, 5 सेंस ऑर्गन, आईज, नोज, टंग्स, ईयर और स्किन। इनका काम होता है कि एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि मुझे गर्मी लग रहा है तो हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा एक्टिवेटेड है अभी, स्किन। ये डेटा को सेंड करेगा हमारे ब्रेन तक विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल के थ्रू डेटा को सेंड किया। ब्रेन का काम होता है प्रोसेसिंग करना, वो प्रोसेस करेगा कि अब फैन ऑन कर देना चाहिए क्योंकि मुझे गर्मी लग रहा है। उसी तरह कहीं पे हम लोगों ने एक्सीडेंट देख लिया तो हमारा आईज एक सेंस ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, एक सेंसर की तरह काम कर रहा है। वो डेटा को कलेक्ट किया कि एक्सीडेंट हो गया है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल गया। फिर ब्रेन हमारा प्रोसेसिंग करेगा कि मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए या फिर मुझे खुद हेल्प करना चाहिए। तो हमारा बॉडी में भी हमारा इनपुट डिवाइस है, फिर हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह आर्डिनो में एक आर्डिनो प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। इसमें कुछ इनपुट पेरिफेरल्स लगे होते हैं जैसे कि सेंसर्स। सेंसर्स का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, वो सेंड करता है आर्डिनो तक विद द हेल्प ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है और अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो डेटा को सेंड किया आर्डिनो में, अब आर्डिनो एक्शन लेगा, मीन्स आउटपुट जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी डार्क हो गया, मान लीजिए इस रूम में डार्क हो गया, मैं एक ऐसा सिस्टम बना दिया हूँ कि वो एक सेंसर सेंस करेगा रूम का डार्कनेस को, ये डेटा को सेंड करेगा आर्डिनो को, आर्डिनो प्रोसेसिंग करेगा कि हाँ रूम में डार्क हो गया है तो मुझे लाइट ऑन कर देना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इनपुट डेटा सेंड हो रहा आर्डिनो तक, आर्डिनो आउटपुट ले रहा है। गाइस, तो हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का काम होता है कि एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा इनपुट डिवाइस बॉडी में क्या है, आईज है, तो उसी तरह आर्डिनो में इनपुट डिवाइस कैमरा होता है। आईज का काम होता है एनवायरनमेंट को सेंस करना विद द हेल्प ऑफ विजन, तो उसी तरह कैमरा का काम होता है एनवायरनमेंट को सेंस करना विद द हेल्प ऑफ कैमरा मॉड्यूल। फिर हमारे बॉडी में ईयर का काम होता है गाइस, मींस डेटा में साउंड को सेंस करना। उसी तरह आर्डिनो में माइक है जो एनवायरनमेंट में साउंड को सेंस करता है। हमारे पास नोज है, नोज का काम होता है स्मेल को सेंस करना। उसी तरह हमारे पास गैस सेंसर है, वो एयर में एयर के मॉलिक्यूल्स को सेंस करता है। हमारे पास टंग है, टंग का काम होता है टेस्ट को पहचानना। हमारे पास सॉइल सेंसर है, वो सॉइल में पीएच का लेवल को पहचानता है, मींस कितना पीएच है, कितना सॉइल में नाइट्रोजन है, ये सब डेटा को कलेक्ट करता है। हमारे पास स्किन है, स्किन का काम होता है इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर्स हो गया या फिर इन्वायरमेंट में सेंस करना, टच को, ये सब को फिल करना। उसी तरह हमारे पास टच सेंसर है जो कि वो भी टच को फिल कर पाता है। अब ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस जो कि डेटा को एक्यूमुलेट करता है। फिर आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस आर्डिनो होता है और हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमारा एलईडी हो गया, फिर हमारा फैन हो गया, ये सब हमारा बेसिक आउटपुट डिवाइस होता है गाइस। तो गाइस, आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आर्डिनो में पहला कोड रन करेंगे और उसके बाद हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे। तो आप बस बने रहिए इस सेशन में और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये सेशन। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप आर्डिनो पे मास्टर कर जाएंगे।